गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेशन? सेपरेशन मीन्स टू सेपरेट अ सब्सटेंस, किसी चीज़ में से टू सेपरेट अ पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर। हम किसी चीज़ में से किसी पार्टिकल्स को मूव करते हैं, रिमूव करते हैं, उसी को बोलते हैं सेपरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने घर पर देखा होगा, मम्मी जब चाय बनाती हैं तो टी लीव्स को अलग करती हैं, ठीक है? तो टी लीव्स को अलग करती हैं वो, देन उसके बाद क्या होता है, हमारा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर की हेल्प से वो टी लीव्स को अलग कर देती हैं, और आपकी टी कैटल से वो लिक्विड फॉर्म जो है वो अलग हो जाती है, सॉलिड फॉर्म जो है वो अलग हो जाती है। दिस मीन्स सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है? किसी चीज़ को अलग करना, अलग मतलब अनवांटेड सब्सटेंस को हमें वांटेड सब्सटेंस से अलग करना, उसी को बोलते हैं सेपरेशन। नाउ फर्स्ट इज़ द हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सेपरेशन जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे आसान मेथड है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। आपने ये अपने घर में डेली लाइफ में भी देखा होगा, जब मम्मी को चावल साफ़ करने होते हैं या दाल, तो वो क्या करती हैं, वो हाथ से जो उसमें अनवांटेड ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर देती हैं, ठीक है? ये मोस्टली हम घर में अपने देखते हैं। इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड कि चीज़ में से अनवांटेड मटेरियल्स को अलग करना, उसी को बोलते हैं हैंड पिकिंग। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग जो है वो आपके सेपरेट सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड स्टॉक्स। देखो अब थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग में जब हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, हार्वेस्टिंग मीन्स जब हमारी फसल पूरी तरीके से ग्रो कर जाती है, तो तब तीन तरह की थ्रेशिंग अप्लाई होती थी पहले। फर्स्ट इज़ अ मैनुअल थ्रेशिंग एंड थ्रेशिंग बाय एनिमल्स एंड थ्रेशिंग मशीन। नाउअडेज थ्रेशिंग बाय मशीन इज़ यूज्ड। देखो सबसे पहले व्हाट इज़ अ मैनुअल थ्रेशिंग। मैनुअल थ्रेशिंग क्या होता है, जब हमारे पास क्वांटिटी जो है हार्वेस्टिंग की वो कम होती है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भारी सी चीज़ पर उस स्टॉक को मारते हैं। स्टॉक मतलब जो हमारे हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसको हम उसे मारते हैं, बीट करते हैं, तो बीट करने के बाद जो हमारे सीड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और हमारे स्टॉक्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। सेकेंड वन इज़ द थ्रेशिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है, ये जो आपको एनिमल्स दिख रहा है, ये हमने स्टॉक डाल दी है, अब ये इसके चारों तरफ जो एनिमल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। जब मूव करते हैं तो सीड्स और स्टॉक जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है? बाय एनिमल्स के थ्रू ऐसे होता है। बाय मैनुअल थ्रेशिंग इज फर्स्ट फिगर ऑफ, जिसमें आपको बहुत सारी लेडीज़ नज़र आ रही हैं। जब हार्वेस्टिंग कम होता है, कम अमाउंट में, तब हम ये मेथड करते हैं। जब हार्वेस्टिंग कितने भी अमाउंट में हो तो एनिमल्स मेथड यूज़ होता है, बट नाउअडेज अब यूज़ होता है मशीन मेथड। अब सब मशीन से ही काम होता है। मशीन से काम करने का मतलब क्या होता है, इसमें यूज़ होता है डीजल एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक? मशीन से काम करने का मेन रीज़न ये होता है, इसमें टाइम बचता है और जो लेबर होते हैं उनको वो भी कम लगते हैं, ठीक है? फिर होता है हमारा विनोइंग। विनोइंग इज़ अ मेथड। विनोइंग वो मेथड है जिसमें ग्रेन फ्रॉम शाफ से अलग हो जाता है। ये भी एक मेथड है जिसमें थ्रेशिंग द लूजिंग ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द ग्रेन और सीड्स फ्रॉम द हस्क एंड स्ट्रॉ इन द स्टेप इन द शाफ रिमूवल फॉर द प्रोसेस बिफोर विनोइंग, ठीक? देखो जैसे ये ऐसे छाल रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपके वांटेड सब्सटेंस हैं वो एक साइड हो रहे हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं वो अलग साइड पर हो रहे हैं। तो ये सेपरेट करता है ग्रेन्स को फ्रॉम शाफ से। शाफ अपने आप ही हटते रहते हैं और ग्रेन्स जो हैं वो अपने आप अलग हो जाते हैं। नाउ सीविंग। सीविंग इज़ अ मेथड। देखो अब हमने पहले बात करी थी ना टी लीव्स की, और टी लीव्स इज़ अ सॉलिड फॉर्म एंड जो उसमें पानी लिक्विड फॉर्म है वो दोनों एक दूसरे को अलग किससे करते हैं, बाय द मेथड ऑफ सीविंग, ठीक है? जैसे लोग आपके मम्मा लोग जो है आटे को छानती हैं तो किसका यूज़ करती हैं, स्ट्रेनर इज़ अ फॉर्म ऑफ सीव यूज टू द सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सॉलिड और लिक्विड से हम यूज़ करते हैं, तो सॉलिड और लिक्विड एग्जांपल है, हम जो है वो टी का लेते हैं, उसमें से टी लीव्स को अलग करते हैं, उसमें से टी को अलग कर देते हैं, मतलब चाय को चाय पत्ती से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर ऑफ द फॉर्म ऑफ सीव। आप देखो इसमें आटे को छानने का काम भी कौन करती है, सीव करती है। जो वांटेड सब्सटेंस है वो हमारा हमें मिल जाता है, अनवांटेड सब्सटेंस उस सीव में ही रह जाता है। अलग करना, सेपरेशन पढ़ रहे हैं ना हम चैप्टर, तो चैप्टर में हम हर चीज़ को अलग करना ही पढ़ेंगे। किस तरह से करते हैं, कौन कौन से मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो मैसन है ये काम कर रहा है, मजदूर, ये देखो जब छानते हैं रेत को तो आपने देखा होगा उसमें से बजरी अलग हो जाती है, और जो हमें रेत चाहिए होता है वांटेड सब्सटेंस वो हमें मिल जाता है। मिलता है किससे, अनवांटेड सब्सटेंस से, ठीक? ये आपके मेथड थे सेपरेशन के। मेथड इज हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सेविंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सेडिमेंटेशन में आप क्या करोगे, सेडिमेंटेशन में आप
इज अ टेंडेंसी फॉर पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन टू सेटल आउट ऑफ द फ्लूइड इन विच दे आर ड्रेन एंड कम टू द रेस्ट अगेंस्ट अ बैरियर। आप क्या करोगे इसमें, आप जैसे घर में ना एक कांच का ग्लास लोगे, ग्लास लेने के बाद आप क्या करोगे, उस ग्लास को आप उसमें आप सॉइल डालोगे, सॉइल डालने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको मिक्स कर दोगे। अब आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, जो सॉइल है वो आपकी कहाँ आ जाएगी, बॉटम में। बॉटम मीन्स जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बेटा वो होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, वो क्या होती हैं, जो इनसॉल्युबल मतलब पानी में नहीं घुल सकती। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, जो मिक्सचर है सेटल्स का वो पानी डालने के बाद क्या हो जाता है, सेटल मतलब स्टे कर देता है द लास्ट बॉटम। ठीक, सेडिमेंटेशन में क्या होगा, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, मतलब मिट्टी जो है बॉटम में आ जाएगी और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। लुक इन द पिक्चर, आप जो फिगर मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें आप देख सकते हो, पहले वो क्या हुआ, वाटर में कंटेनिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आ गई, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स में क्या हुआ, वो उसके बॉटम में आके स्टे हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ अ व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज़ रिमूव्ड, वाटर को डस्ट में से साफ करने की प्रोसेस कहलाती है डिकेंडेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, टू लिक्विड्स जो हैं वो कभी मिक्स नहीं होते एक दूसरे से, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जब टू लिक्विड्स होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, जो ऑयल है और वाटर है हम इस प्रोसेस के थ्रू उन दोनों को अलग कर सकते हैं। इफ़ आ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, अगर ये दोनों मिक्सचर अपने एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की अपनी अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, और जब कुछ देर बाद ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा तो वो क्या होगा, उसको हम सेपरेट कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम उसको अलग कर देंगे। ठीक, जब ऑयल और वाटर एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स वो क्या कर देते हैं, अपनी अपनी लेयर बना लेते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जिसे लेट अस कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, अब हम एक कंसीडर करते हैं सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। जैसे कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, चाय बनाने के बाद, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, हम क्या करते हैं जब टी लीव्स उनकी रिमूव करनी होती है हमें, यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स, हम यूजुअली क्या करते हैं, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं उनके लीव्स को अलग करने के लिए। स्ट्रेनर जो चाय पत्ती को छानने के लिए छन्नी होती है, इन लैंग्वेजेस में जो इजीली घर में यूज़ होती है कि छन्नी से चाय छान दो, उसे बोलते हैं स्ट्रेनर। ट्राई डिकेंटेशन, इट है लिटल, हम बोल रहे हैं आप डिकेंटेशन की हेल्प से भी ट्राई कर सकते हो उसे ईजिली। आपने देखा होगा पहले टाइम में कोई चाय की पत्ती को स्ट्रेनर से नहीं छानता था। ठीक, डिकेंटेशन प्रोसेस भी उसमें अप्लाई हो सकती है, आप देख सकते हो चाय पत्ती जो है वो नीचे बॉटम में रहेगी, सिर्फ जो लिक्विड फॉर्म है वो आपका आपके ग्लास में या आपके कप में आएगा। या आप एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ टी भी देख सकते हो, डिकेंटेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेनर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीविंग मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं टी के टाइम पर, तो हम डिकेंटेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बट यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, बट आप एक चीज़ देखोगे कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी चाय की पत्ती थोड़ी बहुत पानी में आएगी ही आएगी। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर, तो हम क्या कर देते हैं फिर चाय को स्ट्रेनर की हेल्प से डालते हैं। डिकेंटेशन के मेथड से भी हम कर सकते हैं बट उसमें कहीं ना कहीं चाय लीव्स रहती हैं। डिड ऑल द लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्या सारी की सारी लीव्स जो हैं वो स्ट्रेनर में आ जाएंगी, हाँ, बिकॉज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेशन। जब पूरी तरीके से किसी चीज़ का किसी चीज़ को अलग कर देना वो कहलाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है पूरी तरीके से फिल्टर्ड कर देना। नाउ सेपरेटिंग द लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, या आपको सोचो कौन सा मेथड चाय की पत्ती को छानने के लिए अच्छा था, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन में क्या होगा, जो आपकी लीव्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी चाय में आएंगी ही आएंगी जब आप इस वाली प्रोसेस से करोगे, आप जो देख सकते हो जो आपके फिगर में सामने है। और अगर आप इस वाली प्रोसेस से करोगे जो आपके चैप्टर में फर्स्ट में ही आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा मेथड ज़्यादा सही है आपके फॉर प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड ऑफ टी। ठीक, नाउ हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। कभी आप देखो वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स मे बी आल्सो मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स। ठीक, लेट अस सी इफ द कैन बी मेथड
मतलब हम कोई और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इम्प्योरिटीज़ का ना। तो हम जो हमने फर्स्ट सेडिमेंटेशन में क्या कहा था मैंने आपसे कि आप ग्लास में ना सॉइल डालोगे उसे मिक्स करोगे तो क्या होगा वो स्टे कर जाएगी सॉइल नीचे। तो आप उस सॉइल उसी पानी को ला के आप फिल्टर पेपर की हेल्प से कॉनिकल फ्लास्क या अपने घर में किसी भी कांच के बर्तन में उतार कर देखोगे तो आपको साफ दिखेगा। सबसे पहले क्या करना है हमें फ़िल्टर पेपर लेना है, एक फ़नल लेनी है। फ़नल मीन्स जो हमारी मोस्टली घर में होती है बट ये लैब वगैरह में फ़नल्स होती हैं, ये लैब की फ़नल्स और वो फ़नल्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। बस आप देख रहे हैं जब मिट्टी के तेल के लिए फ़नल यूज़ होती है तो उसमें क्या होता है उसमें आपका एक बीच में थोड़ी बारीक सी जाली लगी होती है पहले से ही, जो आपके मिट्टी के तेल में अनवांटेड सब्सटेंस है मतलब जो आपके पेबल्स वगैरह आएंगे उसमें स्टोन्स वगैरह आएंगे वो रुक जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही क्या होगा इस फनल में हम फिल्टर पेपर लगाएंगे, फ़िल्टर पेपर भी हमारा क्या काम करेगा इस टाइम स्ट्रेनर का काम करेगा और जो उसमें अनवांटेड सब्सटेंस है वो वहीं रुक जाएंगे और फ़िल्टर पेपर से होता हुआ वाटर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये सॉलिड और लिक्विड को अलग करने का एक तरीका यही भी है। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 5। इसी चैप्टर को हम कल भी कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक होंगे इसके इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सैचुरेटेड कि वॉट इज़ सैचुरेशन क्या होता है, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। सो आप कल भी मेरे साथ क्लास में रहना और जिसको कुछ समझ नहीं आएगा फिर हाँ वो कल अपनी ऑनलाइन क्लास में दोबारा से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।